हेलो गाइस, फाइनली इस वीडियो में अरे रुक जा भाई, अरे भाई, अरे यार रुक जा, इंट्रो तो कर लेने दे। बता रहा हूँ मैं बहुत मारूंगा अगर मैं भाई एक बार मूड में आया फिर मैं इंट्रो कर लूँ, फिर उसके बाद जो लड़ाई वहाँ करनी करो उससे पकना रे यार। तो गाइस मैं पहले इनका ही काम तमाम कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत देर से मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। और आप सिर्फ नाइंसाफी देखो, एक स्टार पुलिस है मेरे ऊपर, कितनी एक स्टार, और उसमें मुझे कौन मार रहा है, मिलिट्री। कभी हुआ ऐसा आपके साथ कि एक स्टार पुलिस हो आपके पास पीछे और आपको मिलिट्री होंकने लगे? अब पता नहीं क्या है सीन इनका। देखो मैं उसको मारना ही चाह रहा था लेकिन फटाफट बैनी का फ़ोन भी आ रहा है इतनी देर से, तो चलो इसका काम निपटारा करते ही हैं क्योंकि बहुत देर हो गई, बहुत देर देख लिया मैंने, अब इसका काम ख़त्म करते हैं। पिछले एक घंटे से मैं इसे लड़ा जा रहा था, अब जाके ये मरा है। तो फाइनली निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं हमारी कार कहाँ पे गई। ओह तेरी की, तो इन्होंने हमारी कार की भी ऐसी की तैसी कर रखी है। तो फाइनली आज हमें एक गैंग को ख़त्म करने जाना था लेकिन मुझे लगता है कि पहले ही ये मुझे ही ख़त्म कर देंगे, जिस हिसाब से ये सब मुझे कुत्तों की तरह मार रहे हैं। और मैं हूँ अपने एयरपोर्ट पर। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, अगर आपने गेस कर लिया था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाया तो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से गोली नहीं चलाना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ज़्यादा फिर कांड हो और फिर हमारे पीछे बहुत पुलिस पड़े, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी में निकल के जाना है यहाँ से बैनी के पास कुछ बहुत ज़रूरी काम से। और फाइनली अब मुझे लगता है कि ऐसे तो काम होने वाला नहीं क्योंकि मेरी हेल्थ भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये सब मुझे कुत्तों की तरह मार रहे हैं। फाइनली यहाँ पर टाइम आ चुका है अपने ब्रह्मास्त्र को निकालने का और इन सबको ख़त्म करने का। तो फाइनली इन सबको मैं धड़ाधड़ मारता हूँ और मुझे पता है कि 3 स्टार पुलिस हो चुकी है और इनको मारने के बाद भी 3 स्टार ही है। तो फाइनली अब मैं इनसे लड़ाई नहीं करूँगा, अब मैं सीधा अपनी कार लूँगा और निकल लूँगा बैनी के पास क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और अगर मैं 1 मिनट भी और रुकता तो मेरी कार यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती और फिर तो ये मुझे कुत्तों की तरह मारते क्योंकि इनकी कार में इतना ज़्यादा पावर नहीं है। और इसी के साथ मैं अपनी ये झकास कार लेकर निकलता हूँ सीधा बैनी के पास जो कि बहुत पास में लोकेशन है, और उसके बाद बताता हूँ आपको पूरा क्या ही सीन है और पुलिस अभी भी हमारे पीछे पड़ी है। बट वहाँ जाने के बाद पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो फाइनली चप से चलता हूँ अंदर और उसी के साथ बैनी भी आ चुका है हमारे साथ क्योंकि वहाँ मैं काफ़ी देर रुका। और उसके बाद अब निकलते हैं हम लोग अपने मिशन के लिए, जो हमारा मेन मिशन है, जो हमारा मेन काम है, जिसके लिए आज हमें जाना है। तो ड्राइव टू द ट्रेलर पार्क। जी हाँ, ट्रेलर पार्क आपको पता होगा वो लोकेशन है जब आपको भी बैंक की चोरी की है अपने इवेंट्स वगैरह में। जब आप बैंक की चोरी करते हो तो उसके बाद जो एक सेफ लोकेशन होती है वो कभी कभी आपको ट्रेलर पार्क में देखने को मिलती है। तो फाइनली हमें वहीं पे निकलना है और मुझे नहीं पता कि वहाँ पे हमें क्यों जाना है। तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी की रफ़्तार को 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से चलाते हुए, एक तो मुझे ये बात आज तक नहीं समझ में आई कि हमारे पास इतनी सारी कार है, मतलब इतनी सारी लग्जरी कार हैं, इतनी सारी बाइक्स हैं, चॉपर शिप सब कुछ है, उसके बाद भी जब भी कोई मिशन होता है चाहे वो वेरा का हो या इनका हो, हम इसी घटिया कार में जाते हैं। अब ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि ऐसा क्या सीन है कि ये घटिया कार इनकी इतनी क्यों फेवरेट है। मुझे तो ये 2 कौड़ी की अच्छी लगती, बट ये शायद हो सकता है इनकी फैमिली कार हो या माफिया का कोई चाल चलन हो, मतलब कोई रिवाज रीत रिवाज हो जिसकी वजह से ये ऐसी कार प्रेफर करते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने ट्रेलर पार्क के लोकेशन पर और उसके बाद देखते हैं फटाफट अंदर चल के कि आगे का क्या सीन होने वाला है क्योंकि लोकेशन तक तो हम पहुंच चुके वाले हैं। अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर आखिर क्या सीन होगा। तो फाइनली यहाँ पर देखता हूँ बैनी तो ये रहा कार में और मैं शायद पीछे निकल गया हूँ किसी काम के सिलसिले में। तो फाइनली देखते हैं क्या होने वाला है। अभी तक कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है सिवाय इन 3 कारों के। तो फाइनली ओके, तो फाइनली मुझे वहाँ पे वो लोकेशन दिख गई है, मुझे वहाँ पे दीवार को टाप के उस तरफ निकलना है और यहाँ पे क्या करना है एक्चुअली ये देखना थोड़ा मुश्किल। स्टार्ट हो, ओके। तो यहाँ पे हम शायद कुछ बम वगैरह लाए थे जो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं किसी कार पर। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी का गैंग है और इस पर हम लोग क्यों इससे लड़ाई ले रहे हैं। और इसी के साथ शायद वो बम डिफ्यूज़ हो चुके हैं, मतलब डिफ्यूज़ इन द सेंस वो ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हुआ और तेरी की, इसी के साथ कहीं मैं इस ब्लास्ट में मर ना जाऊं, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी तो हम नहीं मरने वाले। तो फाइनली यहाँ पे कार हो चुकी है ब्लास्ट और अब मुझे नहीं पता कि आखिर क्या ही सीन है क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट देखना पड़ेगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये कौन सी गैंग है और इससे हमारी क्या ही लड़ाई है। चलिए ठीक है, जो भी लड़ाई हो फटाफट अब हमने हमला किया है तो इनको ख़त्म करना हमारा परम कर्तव्य है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं कि ड्रोन भी हमारा साथ
बहुत तगड़े से दे रहा है। तो फाइनली इस ड्रोन की सहायता से करते हैं सबको ख़त्म, तड़ातड़ तड़ापड़ सबको मारते हैं यहाँ से, और उसके बाद देखते हैं कि आखिर आगे का क्या सीन होने वाला है। अब मुझे देखो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़बरदस्त ही होने वाला है, क्योंकि पहली चीज़ तो बैनी हमारे साथ नहीं है, और ऊपर से इस गैंग से हमारी कोई भी लड़ाई नहीं थी, तो इस गैंग को मारना मुझे लगता है कि कुछ ज़रूरी था। चलिए जो भी होगा अभी आगे आपको पता ही चल जाएगा, बट यहाँ पे इनके लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर मतलब ना पुलिस आ सकती है ना कुछ, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा एक हिडन प्लेस जैसा बना रखा है जो सिर्फ इनका ही है, यहाँ ये जो मन होता है उनका वही करते हैं। तो फाइनली इन सबको मारता हूँ मैं सोच रहा था इनको क्या ही मारूँ, लेकिन ड्रोन भी अब अपना काम धीरे धीरे करना ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसकी बैटरी थोड़ी सी डेड हो चुकी है। तो फाइनली मैं यहाँ पे ड्रोन ने अपना काम दिखाया है, बट हाँ ठीक है चलिए इसका भी काम हो चुका है। तो फाइनली मैं अपनी पिस्टल निकाल लेता हूँ, अपना देसी कट्टा, और उसी से इन सबको निपटा देता हूँ एक शॉट में, खेल ख़त्म। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी होने वाला है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खतरनाक। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट चलिए देखते हैं अभी, क्योंकि फाइनली यहाँ पे मैंने सबको तो निपटा दिया, मुझे सिर्फ जाके भाग के बैनी से मिलना है। तो फटाफट मैं भाग के चलता हूँ यहाँ से, तड़पड़ 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 बहुत तेज़ी में निकलता हूँ बैनी के पास, और वहाँ पे चल के देखता हूँ कि कहीं किसी ने बैनी को न टपका दिया हो, क्योंकि वो अकेले था और पता है तुम्हें कि वो हमारे बिना कुछ उखाड़ भी नहीं पाता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर, और अब देखते हैं कि आगे का क्या सीन होने वाला है। और यहाँ पे ये इसको गोली वगैरह लगी शायद, गोली या नहीं, कुछ तो इसको चोट वोट वगैरह लगी, क्योंकि ऐसे झुक के खड़ा था मतलब, और इसकी हालत भी आप देखो कुछ सही से नहीं लग रही, शायद इसको गोली वगैरह लगाया नहीं वगैरह लगी है, और या तो इसको किसी ने अपनी दबा के पेला यही गाड़ी में लड़ा के मारा है इसे, तब जो भी हो बात अलग की है। तो फाइनली हमें क्या मिलिट्री बेस चलना होगा, मिलिट्री बेस चल के हमें तोड़वा ना दे, क्योंकि इनका क्या भरोसा नहीं, लेकिन हमें मिलिट्री बेस नहीं जाना, क्योंकि इसकी खुद इतनी फटती है तो क्या ही मिलिट्री बेस जाएगा। तो फाइनली मैं चलता हूँ यहाँ पे, फिर एक हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी सी हिडन ही लोकेशन है, क्योंकि ये थोड़ा गाँव साइड का एरिया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग आते हैं। तो फाइनली चलता हूँ अपनी लोकेशन पर और देखता हूँ आगे का क्या है सीन। ओके सो लेट्स स्टार्ट द यहाँ पे इसने हमें कार रोकने के लिए बोल दिया है, चलो मैं अपनी कार को साइड में लगा के ओके इसी के साथ ये तो फ्रैंक है, हाँ मैंने बिल्कुल सही देखा, ये फ्रैंक है, क्योंकि फ्रैंक की कार और फ्रैंक की गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसी ही हैं, और फ्रैंक ऐसे ही आता है, और इसने मुझे ट्रंक ओपन करने को बोला है पीछे का, हाँ, और यहाँ पे ट्रंक, ओ तेरी की। तो यहाँ पे मतलब अब मैं समझा मैं थोड़ा सा सीन समझ गया हूँ यहाँ पे, लेकिन रुको अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, शायद मैं थोड़ा बहुत सीन तो समझ चुका हूँ, वहाँ पे शायद हम उनको मारने नहीं, इसको ये लेने गया था कि जब तक हम उनको मारेंगे तब तक ये उसको उठा के यहाँ पे, अरे शिट, मतलब कि इसको अब आप समझ लो कि कैरिन को हमने खुद ही किडनैप करवाया है, मतलब वहाँ से यहाँ लाने में हेल्प करी है। और अब आगे का सीन गाइस पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि ये उसे छोड़ने वाला नहीं, और ये उसे किडनैप करके ले जरूर जाएंगे। अब हमें सहायता लेनी होगी, देखो बैनी तो हमारी कोई सहायता नहीं करने वाला, तो फाइनली हम कोई ना कोई तरीका निकालेंगे जिससे हम कॉन्टैक्ट कर पाएँ वेरा को, और इसके अगले वाले मिशन में, देखो इस मिशन में तो हम इनका कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि फाइनली ये बहुत सारे लोग और मैं अकेला हूँ, तो इसके अगले वाले मिशन में चलेंगे कैरिन को ढूंढने कि आखिर कैरिन है कहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं कल इसके दूसरे पार्ट में जिससे हम चलेंगे कैरिन को ढूंढने, और चैप्टर 2 की समाप्ति यहीं पर होती है, और अगला चैप्टर स्टार्ट होगा कल।